गाइस वेलकम टू स्मार्ट प्रोफेशन, माई सेल्फ अनु सिंह। और आपके त्यौहार अच्छे गए होंगे, ठीक है। अब फिर से हम अपने ट्रैक पर आते हैं और स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो इस सेट को जो मैं करने जा रही हूँ रेलवे का एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुआ था जो 2 अप्रैल 2016 को हुआ था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ 50 क्वेश्चन को, और इसमें नेक्स्ट जो बचे 50 क्वेश्चन उसको डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। इस चैनल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर विद एनालिसिस मिलेगा आपको, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी मिलेंगे। तो एक बार विजिट करिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके ये है इस सेट का 51 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कुछ नंबर सेट दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इसका बहुलक क्या है, ठीक है। इसका बहुलक क्या है, मोड क्या है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ, मोड मीन मीडियन, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। बहुलक क्या होता है, जो जब जिसकी सबसे ज़्यादा जो बार बार ज़्यादा रिपीट हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है। देखिए 72 सिर्फ एक ही बार आया है, 74 सिर्फ दो बार आया है, देखिए यहाँ पर यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। 75 देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि तीन जगह आपको 75 दिखा। फिर 76 एक ही जगह है, 73 भी एक ही जगह है, 73 भी दो जगह है, ठीक है। 71, 77 यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 75 है। तो इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मोड 75 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल इसके अभिप्राय से पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, CRI SPR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ये क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड चार्ट, ठीक है, पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो ज़रूर से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य पर, शास्त्रीय नृत्य पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रामखेलिया जो है बिहार का लोक नृत्य है, कहाँ का, बिहार का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया था कि दो संख्या का महत्तम समापवर्त यानी कि HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 7 और 252, और एक संख्या दी हुई है 28, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो क्या होता है, LCM into HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ये तीन चीज़ दी हुई है, चौथी चीज़ निकालनी है, तो इसलिए निकाल लेंगे 7 into 252 equals to 28 into second number, 7 4 28 और 4 से आप इसको भी काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 63 टाइम जाएगा आपका, तो 63 आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, ये आपका करंट अफेयर से है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य के से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए SpaceX द्वारा, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया, जो पावर ग्रिड संचार प्रणाली एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रह को प्रभावित कर सकता है, वो कौन था, डिस्कवर था, ठीक है। अच्छा SpaceX के कौन मालिक है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कई बार पूछा है क्वेश्चन, SpaceX के मालिक का नाम बताइए, ठीक है, फाउंडर का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। रंजीत को अपनी सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया, इससे आपका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता, क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा आपको अंदेशा आ रहा है कि जरूरी है कि जो फर्म का मालिक है पसंद नहीं करेगा तब डांटेगा, जरूरी तो ऐसा है नहीं। नेक्स्ट है कि रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, तो इस स्टेटमेंट के ऊपर दोनों में से कोई भी कथन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका, देखिए ओके देखिए पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रायंगल को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है। चाय पीने वाले जो हैं ट्रायंगल में है, ठीक है, कॉफ़ी पीने वाले सर्कल में है, और स्क्वायर में रस पीने वाले हैं, जूस पीने वाले हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी के लिए हम लोगों ने क्या दिया था, देखा था ट्रायंगल में, अब कितने लोग पीते हैं कुछ बाउंडेशन नहीं दिया, तो कॉफ़ी जितने भी ट्रायंगल में आएंगे, ओके,
कॉफ़ी पीते हैं ना, सॉरी कॉफ़ी तो सर्कल वाला है, एक मिनट फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी सर्कल वाले, तो जितने भी सर्कल में आएंगे सभी को आपको ऐड करना है। कौन कौन से? 43, 38, 45, 23 एंड 15, सारे सर्कल के अंदर यानी कि सभी कॉफ़ी पीते हैं, सबको ऐड करिए। 164 आएगा, 164 आ जाएगा, 164 आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं आंसर में क्या है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। रस किस में है? रस आपके इस वाले यानी कि ये वर्ग में है, स्क्वायर में है। तो स्क्वायर वाले को छोड़िए, जो कि सर्कल और ट्रायंगल दोनों में आते हैं वो कौन से होंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वो कौन से हैं जो दोनों में आ रहे हैं? ओनली ऑन 45 हैं जो दोनों में आ रहे हैं, सर्कल और ट्रायंगल में। ठीक है, तो 44 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आपका आंसर कौन सा नंबर का आंसर हो जाएगा, 44 यानी कि 45 यानी कि डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। कॉफ़ी यानी सर्कल में आते हैं, सर्कल वाले में नहीं आना चाहिए। ट्रायंगल और स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि कौन सा हो जाएगा, कौन सा इसमें आ रहा है, ये वाला 36। तो 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सर्किट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके ओके, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। यदि सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान, और वोल्टेज को समान रखा जाए, प्रतिरोध को दोगुना किया जाए, वोल्टेज को समान रखा जाए, तो सर्किट में जो विद्युत प्रवाहित धारा है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, भी इसक्वल आर, सॉरी क्या होता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भी इसक्वल टू होता है आई इंटू आर होता है। ठीक है ना, इसको तो नियत रखा जा रहा है वोल्टेज को, ठीक है, आर को आधा किया जा रहा है, यानी कि आई और आर में क्या संबंध है, आई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल 1/r का संबंध है ना। ठीक है, तो अगर इसको हम दोगुना करेंगे तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके ये विक्रमानुपाती है, ठीक है ना, तो इसके विक्रमानुपाती है, तो इसको अगर डबल करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि v को हम लोग नियत रख रहे हैं, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को में से एक सार्थक वाक्य बनाना है आपको इन सबका प्रयोग करके। ठीक है, ऑल पीपुल थ्रो इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैज़ अफेक्टेड। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले क्या, द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके, द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन पहला हो जाएगा, अराउंड द वर्ल्ड हैज़ अफेक्टेड, ठीक है, ऑल पीपुल थ्रो इट्स इम्पैक्ट यानी कि क्यू मिला आपको, देन आर एस मिला, ठीक है, देन पी मिला, और देन द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो आर QSPR किस में आ जाएगा, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, QSPR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिन्हों का प्रयोग करके आपको इसको स्टेटमेंट को फॉलो करना है। देखिए इन सब में इन चिन्हों का कोई प्रयोग करिए ताकि 133 आ जाए, ये करना है। तो इसमें आपको कैसे आपको एलिमिनेशन करना है, देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या डिवाइड का है ना, यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या ये इससे पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको स्किप करिए। फिर यहाँ देखिए कहाँ पर है सेकेंड नंबर, इन दोनों के बीच में अगर डिवाइड करते हैं तो क्या ये 5/17 कटेगा पूरी, नहीं कटेगा, इसको भी स्किप करिए। फिर यहाँ सेम यहाँ पर आ गया, इसको भी स्किप करिए। ठीक है, अब इसको फॉलो करिए, देखिए क्या ये आ रहा है, वैसे आ ही जाएगा लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्या करती हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ, 25 हो गया, ओके, फिर 125 में 17 ऐड करना है और माइनस कितना करना है, 9 करना है, ओके, 9 करना है, तो क्या आ जाएगा, इसमें से 9 कर देंगे तो बच जाएगा आपका सीधे 8 बच जाएगा, 8 इसमें ऐड करेंगे 133 आ जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंक की संख्या दी हुई है, ठीक है, अंकों का योग जो है 13 है, दो अंक की संख्या का अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात करनी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा जा रहा है बदली हुई संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 13 तो यहाँ लगभग सभी का आ रहा है, देखिए 5, 8,
13 होता है, ठीक है, 6 6 12 13 होता है, ये भी 13 होता है और ये भी 13 होता है, सबका योग 13 है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 27 घटाए जाए, अगर 85 में से 27 घटा जाए तो कितना आएगा, 85 में से 27 घटाया जाए तो 58 आएगा, ठीक है ना, ये आ गया ना, यानी कि अगर आप ये चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यही टिक कर देंगे, लेकिन नहीं गाइस, यहाँ ध्यान देना है कि बदली हुई संख्या, जो बदल के आ रही संख्या वो क्या है, 58, तो यहाँ 58, मूल संख्या पूछता तो 85 होता, लेकिन यहाँ 58 आंसर होगा, डी नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, विजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है यदि वह अपने माँ के माँ, विजॉय के मान लेते, ये अगर विजॉय है तो इसकी माँ, ठीक है, ये इसकी माँ है, इसकी माँ, ठीक है, माँ की माँ की इकलौती पोती, यानी इसकी यहाँ पर हो जाएगा इकलौती पोती की बात की जा रही है ना, तो क्या होगा, इकलौती पोती की बेटी, यानी कि यहाँ इकलौती पोती इन्हीं की बेटी हुई, ठीक है, पोती की बेटी, ये हो गई बेटी के रूप में परिचय कराता है, तो विजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है, ठीक है, तो ये बताइए, इसकी बहन हुई ना ये, और बहन की बहन का क्या हुआ, ये मामा हुआ ना, तो मामा हो जाएगा विजॉय, मामा हो जाएगा शर्मिला का, ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद जो है हमारा, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ गाइस, तो रट लीजिए, एडविन लुटियंस के द्वारा और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकांड्रिया नहीं होता है, मैंने बायो का लेक्चर लिया था, आपको बताया था कि यकृत में होता है, मांसपेशियों में होता है और WBC में भी होता है, ठीक है, लेकिन RBC में नहीं होता है माइटोकांड्रिया, RBC में केंद्रक भी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, यहाँ दिया जा रहा है कि पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट है, ठीक है, ये अगर 5 फीट है तो इसकी परछाई 7 फीट की बन रही है। इसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत, मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल की इमारत की परछाई 42 बन रही है, तो इसकी इमारत की लंबाई निकालना है, तो इसका रेशियो निकल जा रहा है ना 5/7, तो सेम इसके रेशियो के ऊपर x/42 कर दीजिए रेशियो सेम, क्योंकि क्या बनेगा, एक तरह से क्या बनेगा, समरूप बनेगा ना, तो 7 6 42 6 6 5 30, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 30 फीट आ गई। ओके 30 आ जाएगी, सी नंबर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, टार्गी ग्रेड जो ऐसा है जीनोम जो कि बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है, ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है, चंद्रमा का कहने का मतलब ये हुआ कि उपग्रह नहीं है, तो बृहस्पति ग्रह के तो बहुत ज़्यादा उपग्रह हैं, मंगल के भी उपग्रह हैं, ठीक है, शुक्र के उपग्रह कोई नहीं है और नेपच्यून के उपग्रह हैं, ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति ग्रह के हैं, सब और शुक्र को क्या क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भगनी कहते हैं, और इसे कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है, और ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, गर्म ग्रह, कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सबसे पास में तो बुध ग्रह है, ठीक है, तो शुक्र कैसे गर्म हुआ, ठीक है, तो बुध ग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मिथेन के बादल जो कि यहाँ से आपको प्रकाश जो सनलाइट उसको वापस नहीं जाने देते और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बुध पे ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो आपका गर्म ग्रह सबसे कौन सा, शुक्र ग्रह है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 160 रुपये के अंकित मूल्य पर रखा है, ठीक है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिले तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है आपको, ठीक है, 160 इसका
अंकित मूल है, इस पे 10% की छूट दिया, तो कितने परसेंट में बेचा? 90% में बेचा। अब इतने पर भी उसको कितना लाभ हो रहा है? 120, यानी कि 100/120, 100 से गया 3 × 4 = 12, और 3 × 3 = 9, और 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, और 4 × 3 = 12, 120 हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइज, आपने कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RPF में, SSC में, स्टेनो में, अभी एग्ज़ाम हाल ही में CPO का, उसमें भी कई बार पूछा गया। तो कब क्या है इसकी 25 वर्ष न्यूनतम आयु और लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, ये इसकी योग्यता होनी चाहिए, और अधिकतम आयु के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइज, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? 25 वर्ष, तो प्रधानमंत्री का भी 25 वर्ष ही हुआ। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 72 नंबर, ये भी आपका GS से रिलेटेड है, तो एक बार देख ले, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, फिर भी देख लेते हैं। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2013 में जो किया गया था, GSAT-7 किया गया था, भारत का पहला रक्षा उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको आपको डिवाइड करना है गाइज, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली कर लीजिए। ये देखिए, नीचे भी दो पॉइंट के बाद लगा, यानी कि इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से आपका दो यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 0.0081 आ गया। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ दो था, दो के बाद इस दो जीरो को मैंने हटा दिया। अब इसको आप करिए, यहाँ 0 होगा, 0 फिर नहीं जाएगा, फिर 0, फिर आपको दोनों एक साथ ले जाएगा, 99, 81, तो ये हो जाएगा 0.009, तो बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 74 नंबर, 74 नंबर में पूछा जा रहा है, ये आपका सिलोलिज्म से है। ओके, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, कुछ बॉय क्या है, गर्ल है, सभी गर्ल क्या है, गायक है, यानी कि सिंगर है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि निष्कर्ष देखते हैं इसका। कुछ गायक लड़कियाँ, कुछ गायक लड़कियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, कुछ गायक लड़के हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष आपके सही हैं, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष में, किस वर्ष में ओलंपिक खेल के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? हिस्सा तो पहले बहुत बार पहले लिया था, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जितने भी उस साल किए गए प्रतिस्पर्धा, सभी में महिलाओं ने भाग लिया। वो कब था? 2012 में सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, ऐसे कुछ जमीन पर सीधे खड़े हैं, ये मान लीजिए, एक मिनट मैं फिर से बनाती इसको। ओके, ये 5 है, 12 है, 12, ठीक है, ये 12 है और ये 17 है, ठीक है, ये 17 है, ये 17 है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो उनके शीर्ष के छोरों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालनी है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तो ये भी 12 होगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो पूरा 12 है, तो ये भी 12 होगा, 17 में से 12 गया, कितना बचा? 5। ठीक है, तो पाइथागोरस से निकाल लीजिए, या फिर आपको ट्रिपलेट याद है तो 12 5, तो ये क्या हो जाएगा? 13। डायरेक्ट आप इसको 13 कर दीजिए, सी नंबर आंसर। ठीक है, याद कर लीजिए, फिर भी नहीं याद आए तो ये आप पाइथागोरस लगा लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, लेकिन ये सी क्या? हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया गाइज, कई बार, तो आपको तो रट गया होगा, कौन थे? यूरी गागरीन। ठीक है, यूरी गागरीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 78 नंबर, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन SSC में, UPSC में, ठीक है, UP SSSC में, ठीक है, रेलवे में, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, 1973 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चीन के
चीन के तिब्बत से निकलते हुए पूरा सांगपो नदी वहाँ पर बोला जाता है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये यू टर्न लेते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है। तो कहाँ हुआ, चीन में, बांग्लादेश में, फिर भारत में। भारत में तो आई, फिर उसके बाद बांग्लादेश में आई और फिर गंगा नदी से मिल गई, तो क्या कहलाई, मेघना कहलाई, ठीक है। और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर गई, ठीक है। तो कहाँ नहीं गई, नेपाल में नहीं गई, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। कई बार आपने, मैंने कई बार इसको करवा दिया है संविधान के पाठ को, तो ज़रूर से उसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 मेज का क्रय मूल जो है कितना, 60 मेज के विक्रय मूल के बराबर दिया है, यानी कि 90 CP के इक्वल टू कितना 60 SP है, ठीक है ना, ये है। ओके, तो आप यहाँ पर काट लीजिए, या फिर CP अपॉन SP इक्वल्स टू 60/90, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 6 और 3 × 9। देखिए तो प्रॉफिट तो हो रहा है ना, क्योंकि CP कम है और SP ज़्यादा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 पर, ठीक है। तो 100 कर दीजिए तो कितना हो गया, 50%, ठीक है। तो हो जाएगा सी नंबर, 50% का लाभ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 82 नंबर। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करिए। देखिए ये कुछ आयताकार ऐसे होगा, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, एक सेकेंड। हाँ देखिए ऐसे कुछ होगा, ओके आयताकार हो गया ये। अब यहाँ से काटे जा रहे हैं, 4 कोने से 4 वर्ग काटे गए जा रहे हैं 5-5 सेंटीमीटर के, ठीक है ना, 5-5 सेंटीमीटर के। ये कितना पूरा था, 45, ये पूरा कितना था, 35, ठीक है। अब ये बाहर निकाल लिए गए, तो गाइस इस बाहर निकालने के बाद कैसा ये वाला सेप बचा, देखिए मैं, ओके ओके, ये सेप, हाँ देखिए ये सेप बच रहा ना कुछ ऐसे, ये वाला सेप यहाँ से, फिर ये, अब इससे आपका बॉक्स बन रहा है, खुला बॉक्स, एक साइड से खुला है, ठीक है। तो जब ये बॉक्स बनेगा तो यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये ऐसे कुछ मुड़ जाएगा ना, सेप बक्से डब्बे के सेप में आ जाएगा, तो ये हाइट कितनी है, 5, तो हाइट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये वाला कितना बचा, ये वाली चौड़ाई, इधर से 5 गया, इधर से 5 गया, 45 में से 10 गया, कितना बचा, 35, एक साइड हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई ये देखिए, इधर से भी 10 गया, इधर से भी 10 गया, 5 गया, इधर से 5 गया, तो कितना बचा, 35 में से 10 गया, 25 बचा, ठीक है। अब आयतन निकालना है तो क्या होता है, L×B×H, L×B×H तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 × 25 × 5, 25×125 × 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4375 आ जाएगा आपका आंसर, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, बस यहाँ ध्यान देना है कि आपका जो बॉक्स बन रहा है यहाँ से काटने के बाद, जब ये कॉर्नर से आप काट दे रहे हैं सेम साइज का, तो फिर इसको मोड़ने पर बॉक्स बनेगा, आप पेपर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो गाइस यहाँ 5 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, ठीक है, 20 गुणांक क्या है, सम है ना, यानी 20 नंबर कुछ होंगे, तो बीच वाले जो 10 और 11, इन दोनों के बीच का हाफ कर देते हैं, इन दोनों के बीच का हाफ कर देंगे, कितना आएगा, 10th टर्म प्लस 11th टर्म अपॉन 2, यानी कि 10 10 20 सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ क्या होता है, बीच दोनों के बीच का हो जाएगा 11th टर्म और 10th टर्म के बीच का, तो क्या आएगा, 10.5 आएगा ना, कितने का, 8 से, डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट आप कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दें, 8×5 = 40 और 4, ठीक है, 8 84 आपका आंसर आएगा। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ, एक मिनट, ओके। यहाँ पर 20 का 8 के प्रथम, यानी कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का जो है आपको क्या बताना, औसत बताना है, तो कितने 20 गुणांक है ना, तो सम है, अगर विषम होता है तो बीच वाला पार्ट हो जाता है ना, बीच वाला पार्ट हो जाता है जब विषम होता है तो, लेकिन यहाँ क्या है, सम है, दो वाले यानी कि 10 और 11, ये वाले दो दो बीच में आएंगे,
इन दोनों के बीच का कौन सा होगा, 10.8 हो जाएगा, बीच 10.5 हो जाएगा, ठीक है 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 84 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ओके ओके, आई अभी भी नहीं पूरा दिख रहा होगा, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, ओके हाँ। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है ना कि विजय लिखा है, यहाँ पर आपको विजय देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा प्रिंटिंग जो भी है मिस्टेक रहा उनका, ठीक है। प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं मुँह करके गोले साइड में, ठीक है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है ना, 7 लोग हैं जो गोले के साइड में मुख करके बैठे हुए हैं। और यहाँ से आपका स्टेटमेंट शुरू होता है, वन से, हाँ ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि रीता, रीता जो अविवाहित है, अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के, थोड़ा सा और मुझे छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर गाइस, ओके हाँ आई थिंक अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, मैंने बना लिया ऐसे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, लीजिए मैंने 7 लोग, टेढ़ा हो गया, एक मिनट रुक जाइए, वन सेकेंड, ये हो जाएगा, ओके गाइस ये बना दी, कुछ टेढ़ा बन गया, इसे देख लीजिएगा आप, ठीक है। रीता जो अविवाहित है, अपने सबसे अच्छी दोस्त नीरजा, गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर मान लीजिए मैं गिरिजा को यहाँ बैठा देती हूँ, ठीक है, ओके गिरिजा को मैं यहाँ बैठा देती हूँ, तो गिरिजा के बाईं तरफ दूसरी, तो बाएं कौन सा होगा, इधर होगा ना, इस साइड बायां होगा, तो यहाँ पर हो जाएगी दूसरी कौन सी है, रीता, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, एक तो ये अविवाहित है, और दूसरा फिर कहा जा रहा है जो अपने पति अनिल के, जो किसके लिए यूज होगा, दूसरे वाले पर्सन के लिए जो यूज होता है, यानी गिरिजा के बगल, बाई बगल में बैठी है, यानी कि अनिल कहाँ बैठेगा, अनिल यहाँ बैठेगा, अनिल के बाई बगल में बैठी है तो यहाँ बैठ गई, ठीक है। अब बोला जा रहा है प्रिया उसके पति विजय के बाई तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। अब देखिए विजय के बाई तरफ, विजय को मैं कहाँ कहाँ बैठा सकती हूँ, यहाँ भी बैठा सकती हूँ, यहाँ भी बैठा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठाऊँगी, अगर यहाँ बैठाऊँगी तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा। अगर विजय को यहाँ बैठाती तो 1 2 3, तो भी यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गाइज अगर आगे मैं पढ़ूँ कि मोहित अपने पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है, अगर मैं विजय को यहाँ पर बैठाती हूँ तो बीच तो रीता आ जाएगी, लेकिन यहाँ कौन बैठा है, मोहित बैठा है, तो यहाँ मैं नहीं बैठाऊँगी, और कहीं नहीं बैठा सकती क्योंकि 3 का गैप नहीं हो सकता। तो विजय को कहाँ बैठाऊँगी, यहाँ पर, ठीक है, विजय को मैंने यहाँ बैठाया, तो इसकी पत्नी कहाँ हो जाएगी, पत्नी, उसकी पत्नी प्रिया विजय के बाईं तरफ तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो यानी कि प्रिया कहाँ हो गई, यहाँ पर हो गई, ओके। मोहित अपनी पत्नी और पत्नी जो है प्रीति और विजय के बीच में, यानी कि यहाँ हो जाएगा कौन, मोहित नहीं, प्रीति हो जाएगी ना, प्रीति इसकी पत्नी है और विजय के बीच में कौन हो जाएगा, मोहित। तो ये आपका बन गया। अब आंसर देना है निम्नलिखित में कौन सा सही है। पहला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरी बैठी है, गिरिजा कहाँ, यहाँ पर, विजय के बाईं तरफ तीसरी बैठी है, बिल्कुल भी नहीं बैठी है, नहीं बैठी है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर नहीं बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं में बैठी है, प्रिया यहाँ है, रीता के दाईं, देखिए दाहिना इधर होगा, तो बिल्कुल बैठी है, तो आपका दूसरा ही सही हो जाएगा, नेक्स्ट आपको करने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन और दिए हैं, तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक तो ये दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी जगह अनिल की है, तो गाइज यहाँ पर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ था ना, ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर कौन थी, गिरिजा थी, ठीक है, गिरिजा के बगल में कौन था, यहाँ पर बनी थी कौन, रीता थी, यहाँ पर थी प्रीति थी, नहीं प्रिया थी, ठीक है ना, यहाँ मोहित, यहाँ प्रिया प्रीति, यहाँ पर था विजय, और यहाँ कौन था,
अनिल, ठीक है, तो अनिल की कौन सी स्थिति है ये पूछा जा रहा है। प्रीति की दाएं तो चौथी, प्रीति के दाएं चौथा बिल्कुल भी नहीं है। गिरजा की बिल्कुल बाएं, गिरजा यहाँ पर बिल्कुल बाएं नहीं है, दाएं है। अच्छा, प्रीति के दाएं तरफ चौथी पूछा जा रहा है ना, प्रीति यहाँ है तो एक दो तीन चार दायां, तो इसका ये हुआ ना, तो ये आपका पहला ही सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि दिख जाए। ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित में कौन सा क्रम पहले व्यक्ति, कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं नहीं बैठा है, क्या बना था? फिर से एक बार मैं बना देती हूँ। ओके, यहाँ कौन थी? गिरजा, अनिल, ठीक है, और यहाँ थी रीता, देन यहाँ थी प्रिया, और यहाँ था मोहित, नहीं यहाँ मोहित, यहाँ विजय था, यहाँ मोहित था, और यहाँ प्रीति थी। आई थिंक यही था ना, प्रीति और विजय के बगल बीच में कौन था? मोहित अपना, हाँ ठीक है सही है, और यहाँ विजय, हो गया सारे, ओके ना। अब पूछा क्या जा रहा है कि कौन मोहित विजय के क्या बिल्कुल दाएं बैठा है, मोहित कहाँ बैठा है? मोहित, मोहित यहाँ बैठा है, विजय के बिल्कुल दाहिने बैठा है, बिल्कुल सही है। अनिल गिरजा के, अनिल का, अनिल गिरिजा के कहाँ दाएं बैठा है? हाँ दाही तो बैठा है, ठीक है। रीता विजय के, अब रीता और विजय कहाँ है? विजय यानी यहाँ है, रीता और विजय के बीच में दाहिने का ऑप्शन ही नहीं, बहुत दूरी पर है यानी कि, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर की जगह पर x दे दिया गया है, और बताया जा रहा है कि ये किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है, x का मान आपको बताना है। 11 से विभाजित होने की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, विभाजकता रूल क्या होता है? कि एकांतर क्रम पर आए अंकों का योग, और एकांतर अंकों का योग जो है नेक्स्ट का जो घटाया जाए तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये क्या एक्स है, 3 है, 9 है, 3 है, तो एकांतर ये और ये, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड से जो आएगा, इन दोनों को जो ऐड से आएगा, इन दोनों को फिर घटाना होगा, और वो जो घटा के अंक आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल है तो वो कट जाएगा, 11 से कटेगा, ठीक है। तो ये बताया जा रहा, तो यहाँ देखिए 3 कितना हो गया, एकांतर क्रम वाले को ऐड कर लीजिए, ये 3 है, ये 3 है, 3 हो गया 6, अब ये 9 है, 9 प्लस क्या जोड़े कि ऐसा आ जाए कि घटाने पर यहाँ पर 11 से कुछ भी डिविजिबल वाला अंक आए। तो देखिए क्या 9 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 6 जाएगा, क्या 11 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। अगर 6 की बात करूँ, 6 को 9 में जोड़ूँ तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, 9 तो होगा नहीं। अब मैं 7 को करती हूँ, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से गया 10, बिल्कुल भी नहीं। 8, 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17 में से 6 गया 11 बचा, 11, 11 से डिविजिबल है ही, डिविजिबल है ही, तो 8 आंसर हो जाएगा आपका 87 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका इससे रिलेटेड। ओके, 88 नंबर, अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता जो है अर्जुन, मान लीजिए ये अर्जुन है, अर्जुन के मामा, ठीक है, अर्जुन के मामा यानी इसकी अर्जुन के माँ का भाई होगा ना, ये मामा हुआ, ठीक है, मामा के पिता यानी कि इसके नाना हो गए, ये नाना की इकलौती बेटी यानी इसी की बात हो रही है, ठीक है। ये था अर्जुन और ये कौन की हो गई, अनीता हो गई। तो क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, क्या संबंध है, ये क्या है, इसकी माँ हुई ना, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 चलते हैं, 89 में क्या पूछा जा रहा है कि इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक बताना है यानी कि एलसीएम बताना। तो देखिए गाइस, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं, इसके फैक्टर करेंगे तो 7 × 21 = 3 हो जाएगा, और ये 11 × 22 यानी कोई फ़ायदा नहीं, आप तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 21 × 22 कर देंगे कितना हो जाएगा, 21 × 22 करेंगे तो इसका कर लीजिएगा तो 462 आ जाएगा, और 19 × कितना हो जाएगा, 13, इन दोनों का करेंगे तो हो जाएगा आपका
247 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट करते जाइए, अगर 3 से 4 तक जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, करके देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से केसर की खेती कहाँ की जाती है? गाइज ये सब कोई आंसर दे सकता है, हमारे भारत में कहाँ की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ ठंडा प्रदेश होता है। ओके, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? किसने की थी? रॉन्जन ने। तो रॉन्जन ने की थी एक्स किरणों की खोज, ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें भी चिन्हों का प्रयोग करके आपको 41-41 लाना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ देखिए, पहले देखिए क्या है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी वाला देखिए, क्या 5 को 6 से डिविजिबल है? पूरा स्किप करिए इसको। 12 और 5 के बीच में डिविजिबिलिटी रूल डिवाइड दिया हुआ, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, इसको भी स्किप करिए। फिर ये वाला आगे, इसको भी स्किप करिए और इसको आप फॉलो करके देख लीजिए। 12 बरसते 84 होता है, 7 × 5 + 6 = 7, 25 = 35 और + 6 = 41 आ जाएगा, ओके। तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 93 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारक नहीं है? ठीक है, समुद्री डंपिंग बिल्कुल है, घर का कचरा ये भी है, मछली पर तट पर मछली पकड़ना ये नहीं है, क्या मछली पकड़ने से थोड़े ना कोई प्रदूषण फैलता है? तो ये हो जाएगा सी। 94 चलते हैं, इस या अच्छा ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। यमीन पत्रकार और राजनेता को, अच्छा ये 2011 से रिलेटेड, फिर देख लेते हैं। मानव अधिकार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2011 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो थे कौन? वो क्या थे? तवाकुल करमान, ठीक है, ओके। 95 चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि भारत में जून सितंबर में बरसात का मौसम होता है, ये कथन दिया गया है। निष्कर्ष में पूछा बताया जा रहा है कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान ही बारिश होती है, क्या इसको पढ़ के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान ही बारिश होती है, इसको पढ़ के ये अनुमान नहीं किया जा सकता। तो यानी कि दोनों ही तर्कसंगत नहीं है, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 चलते हैं, 96 में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से, अच्छा गाइज ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर ये है आपका कि यदि दो समरूप है, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल डी ई एफ जो है समरूप त्रिभुज है, इनके एक भुजा का माप दिया हुआ है, इनका एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो दूसरे का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एक समरूप ये है, एक समरूप ये है, मान लीजिए ये ए बी सी और ये डी ई एफ है, इसकी जो दी हुई है कितना? 4 और इसका दिया हुआ है 7। तो गाइज आपको ये समरूपता वाला फॉर्मूला या मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है। जो साइड वाला है यानी कि ए का ये क्या है, बी सी है ना, बी सी का स्क्वायर अपॉन इसके समरूप समान कौन है? ये वाला ई डी का स्क्वायर है, ठीक है, ई डी ई एफ है ना ये, ठीक है, डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ये साइड इसके समान हो जाएगा, ये साइड इसके अनुपात में हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबके इक्वल टू हो जाएगा, क्या आएगा? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ठीक है ना। इसका दिया हुआ वैल्यू 4×16 यानी कि 4 × 4 नीचे हो जाएगा 7 × 7 इक्वल टू, ये कितना एक दिया हुआ है ना, एक कितना दिया हुआ, 144 दिया हुआ, और अपॉन एक्स मान लीजिए निकालना है आपको, ठीक है। इसको काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, सीधे सीधे 36 टाइम जाएगा, फिर इसको काटेंगे ये भी चला जाएगा 9 बार, ये 7×49 × 9 इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 441, सी नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 88 नंबर, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, पशुओं की जो प्रजातियां किसके कारण लुप्त हो रही हैं? आवासीय विखंडन के द्वारा, ठीक है। 99 चलते हैं, 99 में क्या पूछा जा रहा है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है गाइस इसमें, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये देखिए 7×21 होता है ना, 21 यानी कि आपका 20 वाला ऑप्शन गया, 21 वाला भी ऑप्शन गया, क्योंकि मोर देन 21 आएगा। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, तो आप बस करके देख लीजिए ना, यहाँ से पीछे से मल्टीप्लाई करिए, 2 तक जाइए तो आपको पता चल जाएगा, बस यहाँ तक जाइए आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। और इस सेट का लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं।
कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो कौन थे, इनका नाम आप भूल नहीं सकते, कौन थे? मेंडलीव थे। ठीक है, मेंडलीव के आधार पर ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी तैयार होता है। ओके, तो ये थे हमारे इस सेट के 50 क्वेश्चन। पहले सेट का मैंने कर दिया है। अगर गाइस अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और कंटिन्यू रखिए पढ़ाई, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं रह गए। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।